UVN08 ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए UVN08 के साथ। गुना से योगेश लोधा की रिपोर्ट। नवागत कलेक्टर तरुण राठी द्वारा जिले में पहली जनसुनवाई की आवेदकों को गंभीरता से सुना एवं समस्या का निराकरण करने के लिए आवेदन से संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। तहसील कौन सी लगती है? तहसील जांचौड़ा। बताया किस समस्या को लेके आए यहाँ पे? ये समस्या दो है हमारी, एक तो रास्ते की है, किसान भी परेशान है, एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए परेशानी है। और रोड बढ़ता है अपना, जैसे पास में रूपेड़ी है, 1 से 1.5 किलोमीटर महज उसकी दूरी है, लेकिन आना पड़ती रोड से तो 9 किलोमीटर आना पड़ती है। उसमें हमारे खेतों के रास्ते में सारे किसान ही हैं। रास्ता कच्चा है या कच्चा? कच्चा है। आप क्या चाहते हैं? उसमें बनवाना है पूरा रास्ता, तो स्वीकृत भी हो गया, हमारे पास रखी और वो भी देंगे आपको। कितना पुराना रास्ता है वो? वो तो जिंदगी का ही, जब से गाँव बसे 100-200 साल पुराने। आपने सरपंच सेक्रेटरी से बात की? जी सरपंच या सेक्रेटरी से बात की आपने? आज हम जन सुनवाई में पिछले 40 सालों से स्थापित गुना जिले की गुना तहसील की राजस्व सर्किल वृत्त दो उमरी को जबरिया तोड़ा जा रहा है, जिससे किसानों की समस्याएं खड़ी हो गई हैं और सैकड़ों प्रकरण उक्त तहसील में, चाहे बंटवारे के हों और चाहे नामांतरण के हों, तमाम प्रकरण विचाराधीन हैं। और ऐसी स्थिति में तोड़ने से किसानों को असुविधा होगी, समस्या का सामना करना पड़ेगा। मैं आज जन सुनवाई में जिला कलेक्टर महोदय को मैंने इस संबंध में आवेदन दिया है कि तहसील को उमरी सर्कल को यथावत स्थिति में रखा जाए। मैं रमेश सैंडो, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष।